हमारे फार्म में हम किस प्रकार से लाखों रुपए कमा रहे हैं चंदन के साथ साथ भी। तो आपको मल्टी लेयर फार्मिंग में हम इसमें आप इसमें बकरी पालन भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रेन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि चंदन की खेती के साथ साथ भी आप मल्टी लेयर फार्मिंग करके कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको लाइव दिखाएंगे हमारी फार्म में हम किस प्रकार से लाखों रुपए कमा रहे हैं चंदन के साथ साथ भी। तो आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको पता है चंदन का जो प्लांट होता है सेमी पैरासाइड होता है, लेकिन मैं आपको आपने इसके बारे में जानकारी होंगी, लेकिन मैं नए किसानों के लिए बताना चाहता हूँ कि चंदन का जो प्लांट होता है ना, जो सेमी पैरासाइड होता है, ये दूसरे प्लांटों के ऊपर निर्भर रहता है। यानी कि इसको भोजन के लिए दूसरे प्लांटों पर निर्भर रहता है ये प्लांट। यानी इसके पास में आपको दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा, जो अलग अलग जगह के हिसाब से आप क्लाइमेट के हिसाब से आप प्लांट लगाइए जो स्वयं सर्वाइवल कर सके और साथ में चंदन को भी भोजन दे। इस प्रकार का प्लांट लगाना है। जो इससे होस्ट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे हम अपलोड करते रहते हैं, तो वहां चैनल पे जाके एक बार आप वीडियो भी देखिए, होस्ट के बारे में अलग अलग वीडियो दे रखा है, तो आप एक बार वहां पे भी जानकारी दीजिए। बाकी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि मल्टी लेयर फार्मिंग में कैसे इससे इनकम ले रहा हूँ। दोस्तों हमारे इस वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं करिए, क्योंकि स्क्रिप्ट करने हमें ऐसे ही कोई बकवास तो करता नहीं। खेती से संबंधित वीडियो शेयर करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। मैं किसी फार्म पे विजिट करके नहीं बता रहा, मैं अपने खुद के फार्म का बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है मेरा और मैं इनकम ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी जो चंदन का प्लांट है इसके साथ में देखिए मैंने होस्ट लगा रखा है, ये अनार भी लगा रखा है, देखिए अनार का है। और ये अनार केवल इससे प्रोडक्शन, अभी देखिए इसमें फूल आने लगे हैं, काफी फूल आ रहे हैं, और तो इससे भी हम प्रोडक्शन लेंगे। साथ में अभी इस बार अभी इसमें प्रोडक्शन कम आएगा। क्यों आएगा कम, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चंदन का प्लांट इससे पोषक ले लेता है, तो इस प्लांट इसके अंदर इतना पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसमें इतने फ्रूट नहीं लगेंगे, केवल बहुत कम लगेंगे, केवल चंदन के लिए ही लगा रखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा पास में लगा रखा है, तो इतना लगाना चाहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको पता है चंदन तो लाखों का बिकेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी कोई आपको पता है 15 साल बाद में बिकेगा, लेकिन 15 साल से पहले किसान कैसे अपनी आजीविका चलाए, किस प्रकार से अपनी खेती करे, तो हम चंदन के साथ साथ भी लाखों रुपए कमाएंगे। और इसके लिए आपको होस्ट का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने होस्ट का चयन यदि आपने सही कर लिया तो बहुत अच्छा इनकम होगी आपको। जैसे मैं अपने खेत के अंदर कई तरह के अलग अलग होस्ट लगा रखे हैं, और सभी में काफी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है, इस साल काफी अच्छा इनकम होगा एप्पल बेर से, तो मैं इसके अंदर एप्पल बेर का होस्ट लगा रखा है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिये एप्पल बेर के अंदर देखिये आप फ्रूट देखिए, देखिए दोस्तों देखिए कितने शानदार, देखिए कितने शानदार फ्रूट लग रहे हैं एप्पल वेयर में। इसी में नहीं, सभी प्लांटों में इसी प्रकार से अच्छे फ्रूट लग रहे हैं, और जो फ्रूट लग रहे हैं ना दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि चंदन के प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको ग्रोथ करवाओगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे आने वाले समय में। और इसके अंदर जब भी इसके नेचुरल तरीके से इसके अंदर खुशबू बनेगी, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में हमें भी प्रोडक्शन अच्छा होगा इसका। तो आपको चंदन के साथ साथ मल्टी लेयर फार्मिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप कौन से प्लांट लगाना चाह रहे हो। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्लांट लगते हैं, जैसे राजस्थान में पानी की समस्या होती है तो वहाँ अलग प्लांट लगाइए, गुजरात में अलग लगाइए, आप महाराष्ट्र में, तो सभी जगह के अलग अलग रहता है, यूपी में अलग लगाइए, आपके पास जैसा आपका क्लाइमेट है उस हिसाब से लगाइए। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, और आप मेरे से कॉल भी करके इससे संबंधित वीडियो भी डाल रखा है मैंने चैनल पे, और आप वीडियो देखिए, यदि आपके समझ में नहीं आता है कुछ भी तो मेरे नंबरों पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। किसानों के लिए हम समर्पित है, कभी भी फोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साल दोस्तों हम एप्पल बेर से काफी अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। देखिए इस बेर से देखो एक बार, दिखाओ कितना अच्छा है, कम से कम इस प्लांट के अंदर 50-60 किलो माल निकलेंगे, देखो 50-60 किलो, देखिए चारों तरफ से देखिए आप इसी प्लांट में, देखिए काफी अच्छा, देखिए कितना शानदार, कितने शानदार फ्रूट लग रहे हैं, देखिए काफी अच्छा फ्रूट लग रहा है। और इसमें देखिए, इधर देखिए, देखो कैसे किस प्रकार से, देखिए ये चंदन की सहारा ले रही है, चंदन का देखो, चंदन देखो, चंदन का कैसे सहारा ले रही है, बहुत अच्छा, देखो किस प्रकार से काफी अच्छा सहारा ले रही है। और देखो इस प्रकार, देखिए इनको भी दिखाइए एक बार, देखिए कैसी साइज हो रही है इनकी बेरोक साइज, देखिए आप देखो ऑर्गेनिक का कमाल है दोस्तों। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो इतना शानदार प्रोडक्शन होगा आपका, देख लो एक प्लांट है, हम आपको दिखाते हैं ये प्लांट, देखिए इतना ये प्लांट है, एक बार देखिए इसके अंदर कम से कम 1 क्विंटल माल निकलेगा इस पेड़ के अंदर, 1 क्विंटल,
जैसे पानी के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है। देखिए इसमें भी देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे गिर गई सारी। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, हम फार्म पे आपको किस दिन लाइव आके पूरे फार्म का वीडियो बनाएंगे किस दिन तब दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है चंदन 15 साल बाद में इनकम देगा, तो इससे पहले हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए किसानों को, कैसे हम 15 साल गुजारेंगे। तो इससे आप ऐसे प्लांट भी लगाइए, फ्रूट के भी लगाइए और वैसे भी लगाइए, जैसे कैजुरिना लगा दीजिए, इस तरह से नीम का भी लगाइए, आप अलग 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 इस हिसाब से लगाइए। एक ही तरह के भी एप्पलबेरी लगाओ, आप अलग अलग से लगाइए ताकि आपको प्रोडक्शन भी होगा, फल फ्रूट भी आएंगे और उससे भी इनकम होगी। लेकिन एप्पलबेर में आपको दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, एप्पलबेर के अंदर आपको एक समस्या भी होगी, मैं पहले जागरूक कर रहा हूँ आपको इसके लिए, क्योंकि एप्पलबेर के अंदर सबसे ज्यादा जो पक्षियों की होती है ना उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है हमारे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एप्पलबेर के आप दबे लगाना है जब आपके पास में आदमी अवेलेबल हो या कोई फार्म पे आदमी रख रखा हो जो पक्षियों से इनका सुरक्षा कर सके, तभी लगाना, वरना एप्पलबेर आप मत लगाना फिर। तो केवल होस्ट के लिए वैसे लगा सकते हो, काफी अच्छा कनेक्ट होगा इससे आने वाले समय में। और भी हम अनार भी लगा रखे है, आंवले भी लगा रखे है, अलग अलग होस्ट लगा रखे है। तो आपको मल्टीलेयर फार्मिंग में हम इसमें आप इसमें बकरी पालन भी कर सकते हो, अलग उसका अलग वीडियो बनाएंगे। मुर्गी पालन भी कर रहा हूं मैं, तो कई सारे मल्टीलेयर फार्मिंग में कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के हिसाब से मैं अपने फार्म को उस हिसाब से डाल रखा है ताकि इसमें पानी की कम प्लांटों में जरूरत पड़े तो उसी वही पेड़ लगा रखे हैं। तो ये जानकारी दी आपको दोस्तों, तो चंदन से रिलेटेड वीडियो मैं शेयर करता रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।